मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर आज हजारों की संख्या में लोग चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे जो चाय पी जा रही है ये एसएम न्यूज के द्वारा पी जा रही है। एसएम न्यूज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आप जो हर साल चाय का वितरण करते हैं, तो ये क्यों लगा आपको कि यहाँ पे चाय का वितरण करना चाहिए, चाय और बिस्किट का? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लोग शुरू से जल्दी आते हैं, 7 बजे से आते हैं, और लोगों को ठंड का मौसम होता है, और बाबा साहब के ऑनर में हम एक कप चाय अगर उनको नहीं पिला सकें तो ये भी हम अच्छे अनुभव खादी नहीं है। अम्बेडकर बात का नाम है कि हम लोग ग्रुप में रहें, एक दूसरे हिले मिले, एक चाय पिलाते हैं। 14 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पूरी खीर वितरण का भंडारा वगैरह होता है, लेकिन आज जो है, आज क्यों इतना बड़ा वितरण समारोह नहीं होता यहाँ पे? नहीं, इसलिए नहीं हो पाया, एक तो छुट्टी नहीं है। लोग वैसे अम्बेडकर बात पर बोलते हैं, लेकिन रियल वो एक दिन का छुट्टी लेने को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आज छुट्टी होती तो लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या भीड़ लगती, इसलिए आज छुट्टी की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं, और यही कारण है जी। हमारे साथ सुधीर राजी हैं। सुधीर राजी, आज जो हमेशा से आप हर साल चाय का वो करते हैं वितरण, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ही ऐसे न्यूज़ का ही वितरण होता है, उसका क्या कारण? नहीं, 14 अप्रैल को जो रहता है वहाँ पे पूड़ी, भंडारे, कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी सब कुछ होता है, और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका क्या कारण? इस बार जो एसएम न्यूज़ ने पिछले साल चाय लगाई थी, और भी लोगों ने चाय लगाई और बिस्कुट बांटे थे, उसका असर ये हुआ कि इस बार कम से कम यहाँ पे 20-30 गुना लोग आए हैं, और चाय की केतलियाँ यहाँ इस बार 3-4-5 आई हैं, और लोग अपने बिस्कुट और अपने पोस्टर भी बांट रहे हैं और किताबें भी बांट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगली बार यहाँ, क्योंकि ये इतना गुना हो गया है, तो इसी का इतना गुना बाद में भी हो जाएगा। अगर ऐसे न्यूज़ यहाँ पे 100 लीटर की टंकी लेके आएगा तो उसकी टंकी खाली हो जाएगी, ये दावा है इस बात का।